नीरज जी सर, आज एक बड़ा फैसला आया है, कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला। 10 साल बाद किस तरह के आर्गूमेंट्स हुए और क्या क्या सज़ा जो है वो 70 लोगों को सुनाई गई? जी, ये जड़ा केस है, ये केस जो था ये वाज नॉन एज ए बोला ड्रग केस जी। ये एक अभी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का केस था। ये वी स्टार्टेड इट इन 2013। तो उसमें काफ़ी मुलजम थे, काफ़ी चार्जशीट फाइल की हुई हैं, कुछ चार्जशीट पेंडिंग है, अभी उनका फैसला होना बाकी है। लेकिन आज चार जो हमारी कंप्लेंट्स हैं, जिनको हम कंप्लेंट बोलते हैं, वो चार्जशीट होती हैं, चार में फैसला आज आया है। और उनमें टोटल जो मुलजम थे, देवर 23 अक्यूज पर्सन इंक्लूडिंग कोला एंड हिज फैमिली। तो 23 में से चार जो मुलजम थे उनका उनकी डेथ हो चुकी है ड्यूरिंग ट्रायल, और दो लोग जो थे वो पीओ हैं, वो भगौड़े हैं, वो पेश नहीं हुए हैं कोर्ट में। तो उन्होंने जी मैटर ऑफ पेंडिंग है। 17% अज की डेट, अज ऑर्डर 17% जोड़े है उन्होंने सजा दी गई है। तो टोटल अप टू 23 17% पनिशमेंट किया गया। सर, 2014 तो लैके जी हूँ तक भी असं गल कर लिए, किस तरह की थोड़ा जहा ब्रीफ से दस दोगे, कितनी अटैच प्रॉपर्टीज़ में लैके या होर भी चीज़ों का खुलासा ईडी वालों किया गया, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें हैंडल की? जी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टीज जी प्रोसीड ऑफ क्राइम जी ड्रग के क्राइम इन्होंने परचेज की है, वो असी अटैच की है। तो वो अटैच होने बाद जोड़े लीगल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कन्फर्म भी की है। ये टोटल जी चार्जशीट असी फाइल की हैं, जिन्होंने असं कंप्लेट कहने हैं PMLA दे विच, वो है टोटल 7 ने हुण। तो उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी जी है असी अटैच की हैं। उन्होंने मार्केट वैल्यू जो तुम लाओ तो इट कुड गो मोर दैन 400 करोड़ रुपीज़, पर बुक वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ तो उपर होएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जोड़े अक्यूज ने उन्होंने बनाई ने, इस क्राइम नाल इन्होंने बनाई हुई हैं। ये वो जोड़ा पार्ट है वो अवेटिड है, वो उपर भी अज ही फैसला आ जाएगा। देखो जी, 2013 च मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो फिर 14, 15, 16, 17 तक ये चार्जशीट फाइल की 6, तो 6-7 साल जोड़ा रहा इन्वेस्टिगेशन चली, प्रोसीक्यूशन फाइल किया, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, वो फिर अटैच की असी। तो लम्मा प्रोसैस सीगा, बट स्टिल दैन ईडी ने अपना काम किया। वी आर हैप्पी विद दैट। यस, कोविड का जोड़ा टाइम आया सी, वो ऑफकोर्स ये थोड़ा डैम्पर सीगा साढ़े वास्ते, क्योंकि उस टाइम साडा इन्वेस्टिगेशन भी ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल सी, तो कोर्ट का जो ट्रायल जोड़ा सी वो भी स्टैंड स्टिल सी। तो वो जोड़ा साल या 1.5 साल तुम ला लो, वो साडा टाइम वेस्ट होया। सर, इस मामले का थोड़ा सा संक्षेप में बता दें, क्या ये मामला था सर और किस तरीके से सामने मैटर हुआ था? इसमें ड्रग पंजाब पुलिस ने डिफरेंट लोगों से, इंक्लूडिंग भोला और दूसरे जो लोग थे इसके अंदर शामिल, उनसे ड्रग पकड़ी गई थी, हेरोइन पकड़ी गई थी, और तरह की ड्रग पकड़ी गई, करंसीज भी पकड़ी गई। तो ये NDPS के अंदर पंजाब पुलिस ने किया था। ED ने अंडर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्वेस्टिगेशन किया, केस दर्ज किया इन लोगों के खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन किया 2013 में उन्होंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रॉपर्टी प्रोसीडर जो क्राइम थी, उस क्राइम की जो से प्रॉपर्टी बनाई थी वो असी अटैच की, वो प्रॉपर्टीज फिर कन्फर्म भी हुई हैं। उस तो बाद वो प्रॉपर्टी असी जो चार्जशीट फाइल की हैं वो अटैच लाइया हुई हैं, तो वो पार्ट बाकी है मेरे हिसाब नाल, वो
ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਬਾਈ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੈਲਕਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਨੀਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ।